हेलो गाइस, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं और मेरे पति भी बहुत अच्छा। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा काम वगैरह सब कुछ हो गया है। मैं थोड़ा सा गई थी बाहर मार्केट, कुछ सामान लेके आना था मुझे, मैं सामान ले आई हूँ। और अब बच चुका हो रहा है मेरा टाइम आने का और बस मेरे बच्चे आते ही होंगे। तो गाइस, मेरा खाना वगैरह मैं बना गई थी बच्चों के लिए, तो आते ही होंगे बच्चे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इस बताइए, हम कहाँ बैठे हुए हैं? रिक्शे वाले घर में। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम निमृत है और हम रिक्शे में रहते हैं। रितिका कल शन नहीं बोल रही आज? है निमृत। तो गाइस, मैं बोर हो रही थी घर में, तो रिक्शे में बैठ गई आके। और इसके लड़के का नाम क्या है? अनुराग। तो गाइस, अनुराग निमृत ने मिलाया होगा आपको। तो ये देखो, अनुराग की मम्मी मेरे पास आके बैठ गई। हम गप्पे मार रहे हैं बहुत देर से। क्या कह रही निमृत? अभी निमृत जा रही है ट्यूशन और रुद्राक्ष का सर में दर्द हो रहा है, जुकाम की वजह से हो रहा है उसको। निमृत है ना, परसों वो नहा के ना पता क्या करा, नहाया और ना अपने पापा के साथ ना अपनी दादी के यहाँ चला गया। उसको हवा नहीं लगी होगी, गीला सर था तो उसके ना सर में परसों से दर्द हो रहा है। अब दवाई देके ना सुलाया था थोड़ा सा, अब एक घंटा करीब हो गया, अब उठाती हूँ भेजूँगी। तो गाइज, मैं अभी ना रुद्राक्ष निमृत को ट्यूशन भेजती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए प्लीज़। तो गाइज, अनुराग की मम्मी चली गई हैं अपने घर और मैं हो रही थी बहुत, इतने आगे रुद्राक्ष के पापा तो वो लग गए अपने फ़ोन में और मेरा दिल नहीं लग रहा था, तो मैं अपनी जिठानी को बुलाने जा रही हूँ पार्क में। आ गया तो हम गप्पे मरा लेंगे फिर दोनों, देखती हूँ पार्क में कि कहाँ पे है। तो ठीक है, चलते हैं गाइस अपनी जिठानी को बुला। तो गाइज, मैं पार्क गई थी और पार्क में मुझे मेरी जिठानी नहीं मिली और आके बस मैं रजाई में बैठ गई और ठंड लग रही थी। तो गाइज, मैं क्योंकि दीदी तो मिली नहीं मुझे पार्क में और मैं आके फिर रजाई में बैठ गई। रुद्राक्ष के पापा तो अपने बैठे थे, मोबाइल चला रहे थे और मुझे चढ़ी ठंड बहुत तेज थी, मैं तो रजाई में घुस गई और फिर मैं तो निकली नहीं, नींद तो नहीं आई मुझे, पर वो आवाज़ लगाते रहे, आ जा, मैंने आग जला दी, हाथ सेक ले, हाथ सेक ले। मैंने कहा ठीक है, आ रही हूँ मैं, जलाओ। तो आग जला के मुझे आवाज़ लगाने लगे, तो फिर मैं ना बहुत देर में गए हाथ सेकने। फिर मेरी इतनी जिठानी आ गई, वो कह रही आ जा सिंपल। मैंने कहा आ रही हूँ दीदी। तो फिर मैं हाथ सेकने गई गाइस, तो हाथ सेक के चैन सा पड़ गया। फिर इतने ही ट्यूशन से रुद्राक्ष आ गया और रुद्राक्ष आने लगा मम्मी मेरे सर में फिर दर्द हो रहा है। तो गाइस, मैंने अभी रुद्राक्ष को भेजा है, रुद्राक्ष गया है अपनी दवाई लेने के लिए और दवाई लेके आएगा और सर दर्द उसका ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है, क्योंकि मेरे बच्चों को डॉक्टर जैन की दवाई लगती है। तो गाइस ठीक है, आज की वीडियो मेरी इतनी ही। तो गाइज, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, और जो जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ, कल तक के लिए।